Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल्स के हमने जो पार्ट्स डिस्कस किए वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट आर सेल ऑर्गेनेल्स। अ सेल हैज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। एक सेल को बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं और इस फंक्शनिंग में हेल्प करती हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऐसी ऑर्गेनेल्स जिनकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कि क्या क्या फंक्शंस हैं। इट हैज टू सिंथेसाइज सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज करना, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, इनमें हेल्प करते हैं राइबोसोम्स, फोटोसिंथेसिस बाय ऑफ फूड बाय क्लोरोप्लास्ट। सो सब्सटेंसेस सिंथेसाइज करने में हेल्प करती हैं ऑर्गेनेल्स। इट हैज टू सिक्रीट सेल प्रोडक्ट, जो सेल प्रोडक्ट्स हैं उनको सिक्रीशन, उनके सिक्रीशन का काम भी होता है सेल के अंदर। सो एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, म्यूकस एटसेट्रा, ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें सिक्रीट करने में भी सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प करती हैं। सेल के और फंक्शंस होते हैं टू डाइजेस्ट दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर टेकन अप बाय द सेल ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। न्यूट्रिशन के टाइम पर जब सेल चीजें अपने अंदर लेता है, जो भी फूड मटेरियल्स या कोई और सब्सटेंसेस जो कि सेल अपने अंदर लेता है उसको डाइजेस्ट करना भी जरूरी है। ये सब फंक्शन भी जो है सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म करती हैं। एंड जो सेल है उसको ये सब काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत चाहिए, एंड जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की उसको अपने काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल ऑर्गेनेल जो इसकी हेल्प करती है। सो ये सब अलग अलग फंक्शन सेल परफॉर्म करता है बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। और ये ऑर्गेनेल्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड इज गॉल्गी एपरेटस, थर्ड इज लाइसोसोम्स, फोर्थ इज माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ प्लास्टिड्स एंड सिक्स्थ वैक्यूल। ये मेन सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो एक सेल के अंदर, एक साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होती हैं। अब इनको हम एक एक करके इनके फंक्शंस और इनके सारी चीजें जो है वो डिस्कस करें।